नर्मदा परिक्रमा के दौरान महामंडलेश्वर उक्त स्वामी का हुआ नगर आगमन, ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर किया भव्य स्वागत, नर्मदा तट के कई मठ मंदिरों में किए दर्शन। जनमानस में पूर्ण सलिला नर्मदा के प्रति श्रद्धा व भक्ति भाव बढ़ा है। नर्मदा जल की शुद्धता के लिए भी समाज सजग हो रहा है, किंतु नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। नर्मदा परिक्रमा कर रहे महर्षि उत्तम स्वामी जी ने बाजीराव पेशवा के समाधि स्थल पर व्यक्त किए। स्वामी जी के साथ मुख्यमंत्री के अनुज नरेंद्र सिंह चौहान, पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे, विधायक सचिन बिरला, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, यात्रा सहयोगी तपन भौमिक, विश्वजीत सिंह, हुकुमचंद गुप्ता ने महान सेनानी बाजीराव पेशवा की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्वामी जी ने कहा कि नर्मदा में बढ़ता प्रदूषण गहरी चिंता का विषय है। शरावत से नीलेश मालाकर की रिपोर्ट। बहुत शुद्ध थी, अभी से थोड़ी दूषित लग रही है। पहले लोगों में भाव कम थे, अभी भाव बढ़ गए। पहले नर्मदा परिक्रमा वासियों की इतने सेवा नहीं होती थी, अब हरेक ग्राम में हरेक व्यक्ति माँ के प्रति समर्पित होते हुए सेवा करने की इच्छा रखता है। कुछ एक में परिवर्तन हो गया, कुछ परिवर्तन होने की जरूरत है। कई प्रकार से मुझे ये लगता है कि हम सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस माँ के प्रति, पर्यावरण के प्रति, उस मातृत्व भाव के साथ ही हम लोग कार्य करें। हमारे देवता तुल्य समझकर, उनके बराबरी में रखकर, इन सभी पंच तत्वों को मानकर हम अगर ध्यान रखते हुए, किसी भी पंच तत्वों को साफ मत करो, गंदा अगर करना छोड़ दो तो मुझे लगता है हमारा पंच तत्व अपने आप ही शुद्ध होगा और ग्लोबल वार्मिंग की जो पूरे वर्ल्ड में चर्चा है वो बंद हो जाएगी। बाजीराव पेशवा समाधि स्थल काफी समय से वो उपेक्षित रहा, पर आप सरकार का ध्यान यहाँ पे आकर्षित हुआ है और एक बड़ी योजना बनाई है जी, क्या कहेंगे आप? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी धरोहर है, सरकार को, हमारे जितने भी, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कर भी रही, उन्होंने बहुत पैसा दिया। अभी महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी महाराज साहब नर्मदा परिक्रमा पर आए हैं और जगह जगह, गांव गांव में नर्मदा परिक्रमा पथ पर उनका स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है और वो नर्मदा जी का पूजन भी करते हैं और प्रवचन भी होते हैं। इस तरह से आज हम लोग टोकसर से सुबह निकले हैं, टोकसर से पेतनगर, काकरियाँ और अभी रावेर में बाजीराव पेशवा जी की समाधि पर आकर भोजन प्रसादी का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। आप इस परिक्रमा को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? स्वामी जी, विशेष रूप से नर्मदा मई का मई में प्रदूषण नहीं हो, जगह जगह पर वृक्षारोपण कर रहे हैं और धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।